नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो वी आर बैक टू कंटिन्यू विद आवर सीरीज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड द रेमेडी फॉर द डे इज सैकेरम ऑफिसिनल सुक्रोज दैट इज मेड आउट ऑफ केन शुगर। और आज की रेफरेंस बुक है बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रेपर्टरी। तो बेसिकली केन शुगर या गन्ने से बनती है, गन्ने के रस से बनती है। और डॉक्टर हेरिंग का शुगर के बारे में कहना है इस रेमेडी के इंट्रोडक्शन में कि अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन आर डेवलप्ड बाय यूजिंग टू मच शुगर। उनका मानना था कि जो बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेज विमेन और चिल्ड्रन में देखने को मिलती है उनमें से बहुत सारों का रीजन ये होता है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम की होती है। शुगर बेसिकली जो बोरिक डिस्क्राइब करते हैं एक एंटीसेप्टिक है, इन्फेक्शन को कॉम्बैट करती है। और यहाँ जब मैं शुगर यूज़ कर रही हूँ वर्ड मतलब सैकेरम ऑफिसिनल जो रेमेडी बनाई गई है इन्फेक्शन को कॉम्बैट करती है यानी इन्फेक्शन को ख़त्म करती है और प्यूट्रिफैक्शन यानी सडन को डीके को डिकम्पोजिशन को ख़त्म करती है। सॉल्वेंट एक्शन ऑन फाइब्रिन देखा गया है, स्कैन स्टिमुलेट्स सीक्रीशंस बाय द इंटेंस ऑस्मोटिक चेंजेस इंड्यूस्ड दस रिंजिंग आउट द वाउंड विद सीरम फ्रॉम विद इन आउटवर्ड फेवरिंग हीलिंग। यानी इस रेमेडी के देने पर ये फाइब्रिन पे एक्ट करती है, साथ साथ सीक्रीशन स्टिमुलेट करेगी ऑस्मोटिक चेंजेस इंड्यूस करके यानी अंदर से ही सीक्रीशन इंड्यूस करेगी जिससे जो वूंड अगर कहीं पे है वो सीरम के थ्रू ही वॉश आउट हो जाएगा, बाहर को जाएगा सीरम तो उसमें जो जर्म्स वगैरह हैं वो सीरम से ही वॉश आउट होने की संभावना उनसे बढ़ जाएगी फ्रॉम विद इन आउटवर्ड फेवरिंग हीलिंग, हीलिंग जल्दी होगी। लेग अल्सर्स के केस में इसको यूज कर सकते हैं। शुगर जो है मस्ट बी कंसिडर्ड एज सस्टेनर एंड डेवलपर ऑफ द मस्क्यूलेचर ऑफ हार्ट, ऐसा बोरिक का मानना है। एंड इसीलिए ये यूजफुल रहती है इन फेलियर ऑफ कॉम्पनसेशन एंड अ वेराइटी ऑफ कार्डियोवेस्क्यूलर प्रॉब्लम्स, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स में जहाँ पे एनर्जी ही नहीं है मसल्स के काम करने के लिए बहुत फेल हो रही हैं उसमें ये दिया जा सकता है। एक्ट्स एज अ न्यूट्रिएंट टोन एंड टोनिक इन वेस्टिंग डिसऑर्डर्स अनीमिया न्यूरोस्थेनिया एक्सेट्रा इंक्रीजिंग वेट पावर, जहाँ भी वेट पावर एनर्जी इंक्रीज करनी है जिन भी डिजीज में उन डिजीज़ में इस रेमेडी को कंसिडर कर सकते हैं। कॉर्नियल ओपेसिटी डिम साइट कैटरैक्ट के केस में इस रेमेडी को कंसिडर कर सकते हैं। एसिडिटी एंड एनल इचिंग जहाँ पे है, कोल्ड एक्सपेक्टोरेशन मायोकार्डियल डीजेनरेशन यानी हार्ट मसल्स का डीजेनरेशन जहाँ पे हो रहा है इस रेमेडी को आप कंसिडर कर सकते हैं। पेशेंट फैट ब्लोटेड लार्ज लिम्ब्ड चिल्ड्रन हो सकते हैं जो कि क्रॉस हैं यानी जवाब देते हैं तुरंत तुरंत, पीविश हैं, वाइनिंग है, कैप्रीसियस हैं, चेंजेबल हैं, जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, वॉन्ट डेंटी थिंग्स डेलिकेट ब्यूटिफुल थिंग्स चाहिए उनको या डेलिकेटली ब्यूटिफुल थिंग्स चाहिए, टिडबिट्स पे सर्वाइव करते हैं यानी स्मॉल टेस्टी बिट्स ऑफ फूड चाहिए लेकिन एंड रिफ्यूज सब्सटैंशियल फूड, जो अच्छा खाना होगा जो ज़्यादा खाना होगा बेसिकली उसको रिफ्यूज़ कर देंगे लेकिन छोटे छोटे कहीं 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 छूटे हुए खाने को प्रेफर करेंगे। इडीमा ऑफ फीट के केस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हेडेक एवरी 7 days, ये बड़ा पिक्यूलियर सिम्टम है, किसी को हेडेक हो रहा है एवरी 7 days और बाकी कोई सिम्टम कुछ कोइंसाइड कर रहे हैं तो आप ये रेमेडी कंसिडर कर सकते हैं। रिलेशनशिप में जो डिस्क्राइब की हुई है बोरिक ने सैकेरम ऑफिसिनल के, तो एक सैकेरम लैक्टस रेमेडी डिस्क्राइब की हुई है जो बेसिकली शुगर ऑफ मिल्क यानी लैक्टोस से बनती है और डायूरेसिस पे काम करती है यानी ऐसी कंडीशन जिसमें किडनीज जो है मोर यूरिन देन नॉर्मल प्रोड्यूस करती है विच कैन कॉज इन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, ऐसी कंडीशन में काम करती है। एम्ब्लायोपिया में काम करती है यानी लेजी आई के केसेस में जो मोस्टली चिल्ड्रन में चाइल्डहुड में डेवलप होता है उस कंडीशन में देखा जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, नर्व पाथवेज बिटवीन ब्रेन एंड एन आई ढंग से डेवलप नहीं होती है इसलिए ब्रेन जो है दूसरी आई को फेवर करने लगता है, तो एक आई तो दूसरी जगह चली जाती है लेकिन दूसरी वहीं की वहीं रह जाती है, बहुत स्लोली उसके पीछे जाती है। कोल्ड पेन्स में दे सकते हैं एज इफ प्रोड्यूस्ड बाय फाइन आईसी कोल्ड नीडल्स विद टिंगलिंग एज इफ फ्रॉस्ट बिटन, ग्रेट फिजिकल एग्जॉशन में इसको दे सकते हैं। शुगर ऑफ मिल्क इन लार्ज डोसेस टू हेल्प द बैसिलस एसिडोफिलस जो बेसिकली डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन के लिए इम्पोर्टेंट है उसमें दे सकते हैं टू करेक्ट प्यूट्रिफैक्टिव इंटेस्टिनल कंडीशंस एंड ऑल्सो कॉन्स्टिपेशन, कहीं डिके हो रहा हो ये बैसिलस एसिडोफिलस की कमी की वजह से
तो उसमें ये सैकेरम लैक्टस जो कंपैरिजन में दी हुई है सैकेरम ऑफिसिनेल के, उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी रेमेडी जिससे बोरिक ने इसको कंपेयर किया है, इट इज़ कॉल्ड सैकेरिनम, जो वो क्या करती है, हिंडर्स बोथ द सलाइवरी एंड पेप्टिक फर्मेंटिंग एक्शंस विद कॉन्सिक्वेंट डिस्पेप्सिया। प्रोफेसर ल्यूइन बिलीव्स इट्स एक्शन टू बी ऑन द सेक्रेटरी सेल्स देमसेल्व्स एंड इट कॉजेज पेन, राइट हाइपोगेस्ट्रियम, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया एंड वेस्टिंग। यानी प्रूविंग के वक्त इसने जो किया था वो सलाइवरी और पेप्टिक फर्मेंटिंग एक्शंस को हिंडर किया था, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंट डिस्पेप्सिया हुआ था। यानी कहीं सलाइवरी और पेप्टिक सिक्रेशंस का लैक है और जिसकी वजह से डिस्पेप्सिया हो रहा है, तो हम सैकेरिनम दे सकते हैं। एंड राइप ये बेसिकली राइट हाइपोगेस्ट्रियम के पेन में ज़्यादा डेवलप करती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया एंड वेस्टिंग के साथ। अब वापस आते हैं सैकेरिनम ऑफिसिनेल पे, तो उसकी जो डोज बताई है बोरिक ने वो 30th पोटेंसी एंड हायर दे सकते हैं, लोकली अप्लाई कर सकते हैं इसको गैंग्रीन के केस में। एंड 1 ounce ऑफ शुगर लंप मॉर्निंग एंड इवनिंग इज अ वैल्यूएबल एडजंक्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्स्टिनेट केसेस ऑफ हार्ट फेलियर ड्यू टू डेफिशिएंट हार्ट मसल्स विदाउट अ वेल्व्युलर लिजन। जहाँ वेल्व्युलर लिजन नहीं है और हार्ट फेलियर है और कोई अच्छा डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है, तो एडजंक्ट ट्रीटमेंट के तौर पर 1 ounce ऑफ शुगर लंप यूज कर सकते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग में। डॉक्टर बोरिक का ऐसा कहना है, एपिलेप्सी के केसेस में ब्लड विद रिड्यूस्ड शुगर कॉन्टेंट इरिटेट्स द नर्वस सिस्टम टेंडिंग टू कन्वर्जन्स। जहाँ पे लो शुगर की वजह से एपिलेप्सी होती है वहाँ इस रेमेडी को यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद शुगर को एज एन ऑक्सीटोसिक भी यूज़ किया जा सकता है। ऑक्सीटोसिक मतलब एक सब्सटेंस जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्पीडन अप करता है चाइल्ड बर्थ के दौरान एंड चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है बेसिकली। मोस्ट सूटेबल एप्लीकेशन टूवर्ड्स द एंड ऑफ लेबर वेयर देयर इज नो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, लेकिन डिले है, डिले इज ड्यू टू यूटराइन इनर्शिया, यूटरस अब काम उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उतना अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तब इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। 25 grams डिसॉल्व्ड इन वाटर सेवरल टाइम्स एवरी हाफ आवर, इस तरीके से इस रेमेडी को दे सकते हैं। एंड पोटेंसी में जब हम देते हैं तो 30th पोटेंसी एंड हायर ही देंगे। तो जो इसमें डिस्क्राइब है वो बेसिकली इसमें भी इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की हुई है सैकेरिनम ऑफिसिनेल के केस में, स्पेशली हार्ट डिजीज में, लेबर में, एपिलेप्सी के केसेस में या गैंग्रीन के केसेस में। आप इस रेमेडी को अच्छे से ट्राई कर सकते हैं, अगर डेफिनेटली अगर बाकी सिम्टम्स इसके पेशेंट से कोरिलेट कर रहे हैं। एंड मेरे ट्राई करने का मतलब ये नहीं है कि ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, हम मतलब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर सैकेरिनम ऑफिसिनेल। एंड यस, जो अभी 2-3 रेमेडीज पीछे डिस्क्राइब किए हैं उनमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी गई हैं कि जो इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करती हैं। एंड बहुत सारी डिजीजेस जिनका जिन पर डेवलप नहीं हो रहा है डिस्पाइट गुड एलोपैथिक, गुड होम्योपैथिक एंड गुड आयुर्वेदिक और अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, वो उन ट्रीटमेंट्स में उसमें अच्छे से पेशेंट को वापस हेल्थ में लाने के लिए कुछ रेमेडीज ने अपना स्पेसिफिक डिजीज में असर बताया है अकॉर्डिंग टू बोरिक। सो यू आर स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड ऑल्सो डू शेयर योर एक्सपीरियंस विद सैकेरिनम ऑफिसिनेल सुक्रोज इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।